ये यू कैन सी दैट वो हल्का सा जो नेचुरल है और कॉट बिहाइंड दे दिया गया है. ऐसा लगता है कि शरद केलकर जो है रिव्यू के लिए जाएंगे, पर जब बैट पे लगती है तो आवाज आती है, पता लग जाता है. मुझे लगता है कि आवाज आई तो किस चीज की आई. बढ़िया शॉट इस बार और ये एक और चौका. शॉट पिच्ड और ये पुल कर बैठे और एक और डाउन द विकेट और ये बोल्ड सीधी सी बॉल अक्रॉस खेलने की कोशिश. फील्ड को काफी अग्रेसिव रखना पड़ता है तब बल्लेबाजों को पूरा फायदा उठाना चाहिए. यहां पे वही कोशिश, हालांकि फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन उनके सर इज एंड और इस बार छोटी गेंद थी और चौका मिलेगा. बेहतरीन तेज गेंदबाज थे और बहुत रेगुलर फीचर हुआ करता था. यहां पे एक और बड़ा शॉट अपने साथी के ऊपर से हटाते रहे. यहां पे उठा के मारा है लेकिन वहां पे फील्डर है और दूसरे अटेम्प्ट पे पकड़ ही लिया उन्नी ने और यहां पे बड़ा विकेट क्योंकि रितेश देशमुख पिछले कुछ ओवर्स में हालांकि उन्हें ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली थी. बढ़िया शॉट डाउन द ट्रैक और ये मिसफील्ड डीप पर और इसी के साथ एक और चौका 11 ओवर के. पर फिर भी मुझे लगता है अगर अच्छा शॉट है ये एक और बाउंड्री. ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कलाकार देखने आते हैं जो ओ मुझे और ये बढ़िया शॉट आते ही शानदार शॉट फर्स्ट बॉल 6 13 ओवर के पश्चात निरंतरता के साथ विकेट लेते रहे. ये एक और बड़ा शॉट इस बार इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कितने रन मिलेंगे. 28 रन 4 ओवर खत्म करेंगे विकेट के साथ नहीं कर पाए इसे भेद दिया है चौके के साथ ओवर की समाप्ति. बड़े शॉट्स की दरकार यहां पे फिर से और ये छठा झटका. बड़ा शॉट खेलने की इच्छा थी वहां पर लेकिन कोई भी संपर्क नहीं हुआ और निशाना बिल्कुल सही था. हाथ था बहुत खूब. यहां पे बड़ा शॉट फील्डर तैनात है लेकिन उसे बहुत लंबा होना पड़ेगा. कोई विश्वास नहीं होता है और इस बार फिर से ऊपर खेला है देख रहा है और अच्छी वापसी और रन आउट. रन नहीं बनता था लेकिन आखिरी गेंद थी इसलिए और बढ़िया जवाब मिला उनको. बेहतरीन शॉट 3 ओवर की समाप्ति पर 19 रन बिना कोई नुकसान. वो भी जो कॉस्ट है एंड फाइनली हार्ड इनिशिएटिव को जाने चाहिए एंड फाइनली ब्रेकिंग द शैकल्स वहां पर स्ट्राइकर्स ने अच्छा किया है लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी रही है. यहां पे फील्डिंग में थोड़ी सी कमी रह गई शायद एक बुरा बाउंस मिला हो लेकिन बहरहाल पापले की समाप्ति 39 बिना किसी नुकसान. कुछ महीने पहले कबड्डी लीग का भी हिस्सा थी उसमें भी बहुत कमाल का काम करती थी लेकिन यहां पे बेहतरीन कैच फील्डर्स को बैकअप करना पड़ेगा इसी की बात कर रहे थे और वही किया है. यहां पे कप्तान ने बेहतरीन कैच पकड़ा है रितेश देशमुख ने केरला स्ट्राइकर्स के खेमे में. फिर से एक हवाई शॉट लेकिन इस बार गैप में 4 रन मिल सकते हैं 4 रन ही मिलेंगे. ओवर की समाप्ति 48 पे 1 देते हैं तो सारा दोष आपका बन जाता है और यहां पर मौका नहीं गवाया जिसके बारे में बात कर रहे थे लेकिन इस बार चूक नहीं हुई और लग रहा है कि और चूंकि पापले इसका उतना फायदा नहीं उठाया था इसीलिए दबाव बना ही रहेगा बल्लेबाजी क्रम पे. यहां पे एक अच्छा शॉट 700 नंबर की जर्सी पहनते देखते हैं यहां पे भाग्यशाली साबित होता है कि नहीं. फिर से हवा में लेकिन इस बार भी कैप के पास फील्डर वहां पे तैनात है. 2 रन के लिए वापस जा रहे हैं रन आउट का मौका बन सकता है यहां पे शायद आउट हो जाए. जी हां सीधा अंपायर का हाथ उठता हुआ यानी एक रन आउट जो कि ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त हो सकता है. देवांग जो गुड शॉट बट बहुत ही बेहतरीन चौका प्रोफाइल में जो नजर आओ शॉट ये कहते हैं मिडल ये शॉट्स अब तक
nicely played. Exactly knew where the field was, but they got that impetus in the score. Or a beautiful shot. Behtareen shot or straight into the stands. 6 to Raji. तो 50 रन पूरे किए अपना 6 और बड़ा अपील, बहुत ही बड़ा अपील, बट probably going towards the third umpire. काफी सारा confusion है actually. Not out single by the umpire. हैं बल्लेबाज और इस बार बड़ा शॉट लेकिन कोई फील्डर नहीं. ओवर की जरूरत है. कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. राजीव पिल्ले फिर से आ गया है, फिर से हवा में. इस बार कैच फिर से नहीं पकड़ा गया 3 गेंदबाजों के बीच में, लेकिन यहां पे क्या रन आउट हुए हैं. आखिरकार राजीव पिल्ले का विकेट गिरा ही है. वो कई बार उन्होंने मौका दिया वीर मराठी को, आखिरकार. और ये दौड़ने के लिए तैयार रहेंगे. रितेश देशमुख कप्तान और बेहतरीन शुरुआत. इसे कहते हैं आखिरी ओवर को बिल्कुल सेटअप कर देना अपने टीम के लिए. बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कोडियरी, लेकिन साथ साथ अपना ऑफ जायश नहीं है यहाँ पे. और बड़े शॉट के साथ ये जीत अर्ज की. बहुत ही शानदार चौका जड़ा यहाँ पर मुकुंदन ने. 19 बनाए चौके के साथ वीर मराठियों को एक भी जीत नसीब नहीं हुई. 3 मैच खेले, तीनों ही हारे, लेकिन आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहां पर केरल स्ट्राइकर्स द्वारा. बढ़िया मैच देखने को मिला, रोमांचक मैच.